बॉलीवुड मास महाराजा अजय देवगन की दृश्यम 3 मूवी को लेकर बड़ी अपडेट निकल कर आ गई है। दोस्तों मूवी की शूटिंग कब शुरू होगी और अजय देवगन की ये मूवी कब रिलीज होने वाली है, वीडियो में हम इसी अपडेट को लेकर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, अजय देवगन अपनी 2015 में आई मूवी दृश्यम की सफलता के बाद इसका अगला पार्ट यानी दृश्यम 2 लेके आए थे, जिसमे अजय देवगन के साथ इशिता दत्ता सरेया तब्बू और अक्षय खन्ना नजर आए थे। वहीं मूवी ने जमकर कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। अब दोस्तों इस मूवी की सफलता के बाद मेकर्स की तरफ से मूवी के अगले पार्ट की अपडेट निकल कर आ रही है। जी हां दोस्तों, अपडेट के मुताबिक इस बार मूवी को हिंदी के साथ मलयालम में भी रिलीज किया जाने वाला है, क्योंकि दोस्तों अजय देवगन की ये मूवी मलयालम मूवी का ही रीमेक है। दोस्तों आपको बता दें, मूवी में वही पुरानी कास्ट आपको दोबारा फिर से देखने को मिलने वाली है। वहीं दोस्तों बात करें इनकी इस मूवी की शूटिंग और रिलीज डेट को लेकर, तो दोस्तों इस पर मूवी के मेकर्स का कहना है कि इस मूवी की शूटिंग अक्टूबर नवंबर में शुरू हो सकती है। और वहीं बात करें मूवी की रिलीज डेट को लेकर, तो दोस्तों अजय देवगन की ये मूवी 2024 में रिलीज होने की संभावना बताई है। वैसे दोस्तों आपको इस मूवी का कितना इंतजार है और आपको दृश्यम 2 मूवी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और अगर अपडेट थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और साथ में आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।